हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फाइनल का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो एमएससी फाइनल के अंदर हमारे 7 पेपर हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड पेपर है अपना बायो इनऑर्गेनिक, थर्ड पेपर है अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फोर्थ पेपर है अपना ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, फिफ्थ पेपर है अपना ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, जिसे डिसकनेक्शन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ पेपर है अपना हेटरोसाइक्लिक और नेक्स्ट पेपर है अपना नेचुरल प्रोडक्ट। आप मेरे साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट ये वाला पेपर पढ़ोगे भैया। आज अपन जो पेपर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट आज की इस क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं भैया ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट के अंदर हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भैया रीअरेंजमेंट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भैया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट यूनिट कौन सी स्टार्ट करेंगे अपन इसमें भैया, यूनिट स्टार्ट करेंगे 4th, और नाम क्या है उसका, रीअरेंजमेंट। देखो भैया, रीअरेंजमेंट में होता क्या है भैया, इसका थोड़ा सा एक बार बेसिक देखा जाए। हम बेस बना लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि रीअरेंजमेंट आकर है क्या चीज़। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर कोई एक एटम दूसरे एटम पर क्या हो जाएगा भैया, रिप्लेस हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। ये जो माइग्रेशन हो रहा है ग्रुप का, उसे अपन क्या बोलेंगे भैया, रीअरेंजमेंट। लेकिन ध्यान देना भैया, ये जो माइग्रेशन हो रहा है ग्रुप का वो किसके अंदर होगा, एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगा। जैसे ये कोई जी ग्रुप है, जिसे मैं क्या बोलूंगा भैया, सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, और जिसे नाम दिया गया क्या भैया, माइग्रेटिंग ग्रुप। माइग्रेटिंग ग्रुप क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ध्यान देना ये जो जी है वो ही माइग्रेट करेगा। और माइग्रेशन का एक रूल है भैया कि यहाँ पर जो माइग्रेशन होगा वो एडजेसेंट एटम के ऊपर होगा भैया। जिस जगह से ये माइग्रेट कर रहा है, ये जिस जगह से माइग्रेट कर रहा है उस जगह को बोला जाएगा माइग्रेशन ओरिजन, माइग्रेशन ओरिजन। और जिस जगह ये ग्रुप जाएगा उस जगह को क्या बोला जाएगा, माइग्रेशन टर्मिनस। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना ये जो शिफ्टिंग होगी, ये जो माइग्रेशन होगा, यहां पर 1-2 शिफ्टिंग होगी, 1-2 शिफ्टिंग, जिसे मैं बोलूंगा 1-2 शिफ्ट। बेटा देखो, ये माइग्रेट हो गया भैया ए, और ये क्या भैया बी, और ये आ गया यहाँ पर जी। आप देख सकते हो भैया, जो जी पहले ए एटम पे लगा हुआ था वो किसके ऊपर चला गया भैया, बी एटम के ऊपर चला गया। इसे अपन क्या बोलते हैं भैया, रीअरेंजमेंट। अब अपन बात करते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट है वो कितने टाइप का होता है। रीअरेंजमेंट को अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किए हैं, एक तो होता है होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट और एक होता है हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट। जो तुम्हारा हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट है, इसे फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है तुम्हारा एनायनोट्रोपिक और एक है तुम्हारा कैटायनोट्रोपिक। जो एनायनोट्रोपिक है बच्चों, उसे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, और जो कैटायनोट्रोपिक है उसे इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ भैया यहाँ पे। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट।
इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया हमने। एक है मेरा क्या, होमोलाइटिक, और एक है मेरा हेटेरोलाइटिक। जो हेटेरोलाइटिक है इसे फर्दर टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन है? एक तो है एनायनोट्रोपिक, और एक है केटायनोट्रोपिक। एनायनोट्रोपिक जो है इसे और क्या नाम दिया गया भैया, इसे नाम दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और इस कैटायनोट्रोपिक को क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। बड़ा ध्यान देना, एनायनोट्रोपिक को एनायनोट्रोपिक क्यों दिया गया है, कैटायनोट्रोपिक को कैटायनोट्रोपिक क्यों दिया गया है, तो इसको इस स्केलेटन से आप समझ सकते हो भैया। कैसे समझ सकते हो? कि तुम्हारे पास में ये ए है, ये बी है, और सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो आप बात बताना मुझे कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या है भैया, कमी है। तो ये जो जी ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा, तो ध्यान देना ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट हो गया भैया, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हो गया भैया। एनायन का क्या है भैया, यहाँ पर माइग्रेशन होगा। इस वाले स्केलेटन के अंदर क्या होगा, ये ए और ये क्या है भैया बी, ये बी क्या है भैया नेगेटिव, और तो ये जी। तो एक बात बताओ, नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है तो ये जी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, एनायनोट्रोपिक, और इस टाइप के रीअरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे भैया, कैटायनोट्रोपिक। अपने जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है वो कौन है भैया, एनायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अरे बात समझ, अपने सिलेबस के अंदर ये मेंशन है। अब फर्दर एनायनोट्रोपिक को भी भैया तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है भैया, तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भैया, एक तो है कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। क्या बेटा? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। और एक है कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, और एक है कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। आ रही बात समझ में? तीन पार्ट के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया भैया। इनके एग्जाम्पल की बात करूं, मैं एक आध एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं, फिर डिटेल में अपन आगे स्टडी करेंगे। जैसे कार्बन टू कार्बन जो माइग्रेशन होता है, आप बताओगे कोई एक नेम रिएक्शन? चलो भैया मैं बता देता हूं, एक नेम रिएक्शन आपने देखी होगी भैया, पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। अरे बात समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, होपमान रीअरेंजमेंट, होपमान रीअरेंजमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, बेयर विल्गर रीअरेंजमेंट। और भी ऐसी नेम रिएक्शन है भैया, लेकिन हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे इनके ऊपर, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं अपन इन चीजों को। अब अपन आप मेंशन कीजिए एनायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, हम डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं भैया, देखते हैं। देखो इस रीअरेंजमेंट को जो अपन टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक अपने को समझना होगा भाई। और बेसिक क्या है भैया, कि हम थोड़ा सा कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट को समझ लेते हैं। कार्बोकेटाइन के अंदर यदि आप थोड़ा रीअरेंजमेंट समझ लोगे तो बाद में अपन जो भी सारी चीज़ें करेंगे वो इजी गोइंग अपने को समझ में आ जाएगी भैया, आप इजी वे इनको समझ पाओगे। कार्बोकेटाइन के अपन जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर अपन बात करें, जहाँ पर अपन ने पढ़ी थी कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट वाली जो रिएक्शन, और उसमें आप क्या देखते थे कि इसका जो रीअरेंजमेंट है वो चार टाइप का होता था। यानी कि जो टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट थे कार्बोकेटाइन के अंदर
उसके अंदर जो पहला था वो कौन था, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, दूसरा क्या था 1-2 मिथाइल शिफ्ट, तीसरा क्या था रिंग एक्सपेंशन, और फिर क्या था भैया रिंग कॉन्ट्रेक्शन। और यहां क्या बोला गया था कि जो सारे के सारे शिफ्ट हैं वो कौन से हैं, 1-2 शिफ्ट हैं। अच्छा, हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो शिफ्टिंग करवाई जा रही है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, अपने क्यों करवा रहे हैं हम ये शिफ्ट। तो भैया इसका एक अच्छा लॉजिक ये है कि तुम्हारी शिफ्टिंग के बाद में क्या आ जाती है हमारे पास में, स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है भैया, यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी की वजह से हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं ग्रुप्स का। अरे बात समझ में, तो ध्यान देना तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा, और बेसिक के अंदर कौन भी है तुम्हारे पास में, रीअरेंजमेंट इन कार्बो कैटायन। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। अब देखो भैया, कार्बोकेटायन के जो अंदर जो रीअरेंजमेंट है वो कितने प्रकार के हैं भैया, 4 प्रकार के हैं भैया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इनको, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला क्या है भैया, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा क्या है भैया, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, और क्या है भैया, रिंग एक्सपेंशन, नेक्स्ट क्या है, रिंग कॉन्ट्रेक्शन। हाँ बच्चों, इन चारों रीअरेंजमेंट के लिए क्या बोला गया है कि ऑल टाइप रीअरेंजमेंट क्या भैया, 1-2 रीअरेंजमेंट। यानी कि सीधा सा एक रूल बन गया कि जो तुम्हारा रीअरेंजमेंट है वो क्या होगा, 1-2 पोजीशन पे होगा, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होगा या एडजेसेंट एटम के ऊपर होगा। अब ये रीअरेंजमेंट तो होगा, लेकिन अपने को इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर पता होना चाहिए हमें। तो ध्यान देना, इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर कैसे होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर इसकी बात करें तो ध्यान देना, एक कि जो तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन है, कहीं पे भी तुम्हें यदि रिंग एक्सपेंशन मिलता है तो तुम सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन कराओगे। यदि तुम्हें रिंग एक्सपेंशन के बाद में आप तुम क्या कराओगे भैया, रिंग कॉन्ट्रेक्शन कराओगे भैया। अरे बात समझ, फिर अपन बात करते हैं कि इनके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। आप कहीं पे भी यदि तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है तो पहले हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट कराओगे, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराओगे, फिर डी की कराओगे, फिर किसकी कराओगे, टी की, फिर कराओगे 3 डिग्री एल्काइल की, फिर कराओगे 2 डिग्री एल्काइल की, फिर कराओगे किसके भैया, 1 डिग्री एल्काइल की, फिर किसकी कराओगे भी, CH3 की। ये तुम्हारे पास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर हो गया। अब हमें इन्हें समझना होगा कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। भैया इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कार्बोकेटाइन के अंदर आप नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट करवा सकते हो, पॉसिबल है भाई, तुम कितने भी रीअरेंजमेंट करवा सकते हो। लेकिन ध्यान देना, रीअरेंजमेंट के बाद में जो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है, जो न्यूली फॉर्म कार्बोकेटाइन है, वो क्या होना चाहिए भैया, मोर स्टेबल होना चाहिए पीछे वाले कार्बोकेटाइन से। यानी कि क्या स्टेटमेंट बोला गया है, इन ए कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, बट आफ्टर द रीअरेंजमेंट द न्यूली फॉर्म कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस। ये बात बोली गई है भैया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझते हैं भैया, ताकि क्लियरिटी होगी भैया। ध्यान देना, किसी भी रूल को समझने के बाद में जब उनके एग्जाम्पल देखे जाते हैं तो हमारे पास में सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि जो भी बातें बोली गई है उन एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन्हें समझ रहे हैं भैया। जैसे पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास में क्या है भैया, CH3, और यहाँ पर क्या है भैया, H, और ये क्या है भैया, CH3। अब यहाँ पर क्या है भैया तुम्हारे पास में, CH2, और ये क्या है भैया, कार्बोकेटाइन। बेटा आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। हमें एक ऑर्डर बताया है कि जो तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे भैया, 2 डिग्री से, और जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है।
तो हम इस प्रोसेस के अंदर ये चाहेंगे कि तुम्हारा ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए या 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। तो यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई है हमारे पास में यहाँ पे कि जो भी रेंजमेंट हो रहे हैं अपने यहाँ पे वो किसकी वजह से हो रहे हैं, स्टेबिलिटी के कारण, कि हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए भैया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो रीअरेंजमेंट होगा, 1-2 नाम क्यों पड़ा, आप देखना भैया कि मान लीजिए तुम्हारे पास में इस हाइड्रोजन का शिफ्टिंग मुझे करवाना है, तो जहां शिफ्टिंग करवाना है, जिस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, जिस बॉन्ड का ब्रेक होगा, उसे क्या नाम दूंगा, 1 और क्या भैया, 1। और इस 1 को वहां तक कंटिन्यू करूंगा जहां पर यह हाइड्रोजन जाएगा, तो कहां जाएगा भैया, यहां। तो 1 और ये क्या हो गया भैया, 2। तो अब आप देख सकते हो कि जो है कि 1 नंबर कार्बन से ये 1 नंबर हाइड्रोजन कहां आएगा, 2 पोजीशन पे। इस वजह से इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। और मुझे बताना ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके जावेगा कि देके जावेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर किसकी है भैया, इलेक्ट्रॉनों की क्या है भैया, कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। वेरी गुड, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर CH3 और ये CH3। आप देख सकते हो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हारे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखते हैं और अब मैं करता हूं इसके अंदर क्या भैया, इसके अंदर करता हूं 1-2 और क्या भैया, CH3 शिफ्ट, 1-2 CH3 शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट अपन करके देखते हैं इसके अंदर। जब हमने ये किया तो आप इसमें फिर देख लीजिए भैया, इसकी नंबरिंग अभी मैं हटा देता हूं, ये नंबरिंग कर लीजिए 1 और क्या भैया, 1। अब ये जो CH3 है कितने नंबर पोजीशन पे जाएगा, 2 नंबर पोजीशन पे ये जाएगा भाई। तो अब अपन इसको भेजते हैं 2 नंबर पोजीशन के ऊपर, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और लेके जाएगा तुम्हारे पास में स्केलेटन क्या बन गया भैया, तुम्हारे पास में स्केलेटन ये बन गया भाई। अरे बात समझ में, आप देख सकते हो यहां पर कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी हमारे पास में क्या बात हुई थी कि कार्बोकेटाइन के अंदर हम नंबर ऑफ रिअरेंजमेंट कर सकते हैं भाई, लेकिन तुम रिअरेंजमेंट के बाद में तुम्हारे पास में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, आप क्या बोलोगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो तुम किसकी शिफ्टिंग कराओगे भैया, ये वाला राइट है, ये वाला क्या है भैया, रोंग है। दैट मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, और उसमें क्या बोला गया था कि यदि तुम्हारे पास में हाइड्रोजन है तो तुम सबसे पहले किसका माइग्रेशन कराओगे, हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराओगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर। एक एग्जांपल ये हमने लिया भैया, कौन सा, CH3। यहां पे क्या है भैया तुम्हारे पास में, H है, और ये क्या है भैया तुम्हारे पास में, D है, और फिर कौन भैया, CH2, और ये क्या भैया तुम्हारे पास में, पॉजिटिव। ये जो कार्बोकेटाइन है कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है भैया, 1 डिग्री। अब मैं यहाँ पर मेरे पास में ग्रुप कितने हैं भैया, 3 ग्रुप हैं भैया, कितने ग्रुप है, 3। तो जब तक अपने को कोई चीज आती नहीं है उसको सबसे पहले हम सारी चीज करके देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, एक कैलकुलेशन निकाला जाएगा। अरे बात समझे, बार बार हमें ये शिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसका करवा के देखूं, इसका करवा के देखूं, एक बार में इस चीज पता चल जाएगी। जैसे मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर के अंदर बता दिया है कि आप सबसे पहले किसका शिफ्ट कराओगे भैया, हाइड्रोजन का शिफ्ट कराओगे, तो वो तो चीज हमें पता है ही ना, पूरा कैलकुलेशन निकाला अपन ने। अरे बात समझे, लेकिन अब हम इसको समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हाइड्रोजन का शिफ्ट अपन ने करवाया क्यों, आगे की बात समझ में। अभी ये कोई कंपटीशन की कोई क्लास चल रही होती तब तो अपन ये भी बोल देते डायरेक्ट कि भैया इसको याद कर लीजिए, लेकिन ध्यान देना ये मास्टर्स की क्लास चल रही है, MSc की क्लास चल रही है, तो हमें हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। आगे ये बात समझ में, ठीक है भैया। अब यहाँ पे अपन बोलते हैं कि मैं शिफ्ट करवा दूं किसका भैया, ये 1 और ये क्या भैया, 2। मैं शिफ्टिंग करवा दूं क्या भैया, 1-2
हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दूं मैं। ठीक है भैया, करवा दीजिए 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या बन रहा है तुम्हारे पास में? पॉजिटिव डी, और यहाँ पर क्या भैया? CH3। आप मुझे बताओ ये कितना डिग्री कार्बो केटाइन बन रहा है? ये बन रहा है 2 डिग्री कार्बो केटाइन, 2 डिग्री कार्बो केटाइन। अब मैंने इसके अंदर क्या करवा दिया भैया? इसके अंदर करवा दिया 1-2 क्या भैया? ड्यूटेरियम शिफ्ट, डी शिफ्ट करवा दिया भाई। तो क्या बनेगा भैया तुम्हारे पास में? बनेगा CH3, CH पॉजिटिव, CH2, और ये क्या भैया? डी। एक अपन ने क्या करवा दिया? 1-2 मिथाइल शिफ्ट। CH3 को क्या बोला जाता है? मिथाइल ग्रुप। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया? HD, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर CH2, और ये क्या भैया? CH3। ये देखो ये कितना डिग्री कार्बो केटाइन है? ये 2 डिग्री कार्बो केटाइन है। ये कितना डिग्री है? ये है तुम्हारे पास में 1 डिग्री कार्बो केटाइन। तो आप मुझे बताइए क्या ये हो सकता है क्या भैया? 1 डिग्री तो वैसे ही नहीं बनेगा, पहले ही बना हुआ है 1 डिग्री। तो जब पहले ही 1 डिग्री बना हुआ है तो ये 1 डिग्री पहले ही नहीं बनेगा। लेकिन ये दोनों बन सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा बनेगा वो हम देखेंगे भैया। एक बात बताना, आप लोगों को पता है कि जब भी तुम्हारे पास में इस पे ये जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन है इसके एडजेसेंट कार्बन यदि क्या है भैया? sp3 है। तो उस पे प्रेजेंट जो sp3 हाइड्रोजन है उनकी वजह से क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और ध्यान देना, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या बनती है भैया? स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है भाई? स्टेबिलिटी आती है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है कि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। आप यहाँ पे क्या देखोगे भैया? यहाँ पर कितने अल्फा एच है भैया? 6 अल्फा एच है भैया। यहाँ पर कितने अल्फा एच है? यहाँ पर है 5 अल्फा एच। अरे बात समझ में। लेकिन एक क्या है? अल्फा डी। और ध्यान देना, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच का ज़्यादा होता है, अल्फा डी का क्या होता है? कम होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि तुम्हारे पास में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होगा। किससे भैया? कार्बन ड्यूटेरियम से। आ गई क्या बात समझ में? तो ये इजीली ब्रेक होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से यहाँ मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, ये वाली शिफ्टिंग भी नहीं होगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक का? चलो भैया नया एग्जांपल लेते हैं हम अपन यहाँ पे। देखिए भैया, नए एग्जाम्पल में मूव करते हैं। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है ये वाला। अब धीरे धीरे समझ में आ रही है चीजें भैया। और यहाँ पर कौन है भैया? CH2 क्या भैया? पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन होने से पहले ये जो कार्बो केटाइन है वो कितना डिग्री है भैया? ये कार्बो केटाइन है 1 डिग्री कार्बो केटाइन। अब हम सोचते हैं कि क्या यहाँ पर अरेंजमेंट होगा क्या? तो आप देखिए, देखिए इस 1 और 2 कार्बन के ऊपर यही तो है हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन। अब आप देखोगे कि इस कार्बन के पास में कौन है? एक हाइड्रोजन है। तो आप मुझे बताओ, पहले ये है कौन? CH2। ये कौन है? CH2। तो आप मुझे बताइए किसका माइग्रेशन होगा भैया? हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा पहले। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या बन जाएगा भैया तुम्हारे पास में? ये बन जाएगा CH3। और यहाँ पर कौन? पॉजिटिव। ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये वाला रिएंजमेंट क्या होगा भैया? पॉसिबल होगा। दैट मीन्स ये हमने क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई? स्टेबिलिटी। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हम रिएंजमेंट करवा क्यों रहे हैं, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है भैया किसका? स्टेबिलिटी का। समझ में आ रही है बात? चलो भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। और एग्जाम्पल है ये, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया, कार्बोकेटाइन है भैया यहां पे। आप मुझे बताओ ये जो कार्बोकेटाइन है वो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन।
अब मुझे पता है इस 1-2 पोजीशन पे, जैसे ये मेरा कौन है 1 और ये कौन सा 2, यहाँ पर भी ये 1 और ये क्या है भैया 2, इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी कि शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि ये भी 3 डिग्री हाइड्रोजन है और ये भी 3 डिग्री हाइड्रोजन है, या मैं यूं कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन भी जब माइग्रेट करेगी तो यहां पर भी 3 डिग्री कार्बो केटाइन बनेगा और यहां पर भी 3 डिग्री कार्बो केटाइन बनेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कार्बो केटाइन बनेगा कौन सा, तो दोनों तरफ से अपन शिफ्टिंग करवा लेते हैं। अरे बात समझ में, पहले अपन क्या करवा लेते हैं, इसको एच ए नाम दे देता हूँ और इसको क्या नाम दे देता हूँ एच बी, तो हम क्या बोल देंगे 1-2 एच ए शिफ्टिंग। जब ये वाली शिफ्टिंग हमने करवाई तो तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन क्या बन गया भैया, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है अभी, आ गई क्या बात, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। दूसरा हम करवाएंगे 1-2 HB shift, 1-2 HB shift, तो देखिए भैया तुम्हारे पास में कौन सा कार्बोकेटाइन बना, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब हम क्या देखते हैं कि तुम्हारे पास में इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर यदि sp3 कार्बन है और उस पर sp3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर उस पर क्या लगेगा भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन, और आप लोगों को पता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। और हमें एक कॉन्सेप्ट यह भी पता है कि तुम्हारे पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन की उतनी ही ज्यादा होगी, ये बात दिमाग में आ रही है भैया। चलो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच, तो आप देख सकते हो इस कार्बोकेटाइन के लिए नंबर ऑफ अल्फा एच की संख्या कितनी है भैया, आप देखिए 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर कितनी हो गई 4, और 2 यहाँ पर कितनी हो गई 6, तो ये कितनी अल्फा एच हो गई 6 अल्फा एच, और इस वाले कार्बोकेटाइन में कितनी हो रही है 2+2 कितनी 4, और 3 कितनी हो गई भैया 7 अल्फा एच। नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, तो तुम्हारे पास में शिफ्टिंग कौन सी होगी बेटा, ये वाली शिफ्टिंग होगी, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। बात समझ में आ रही है भैया, ठीक है भैया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाले एग्जाम्पल सारे समझ में आए, क्योंकि ध्यान देना ये पूरा का पूरा जो रीअरेंजमेंट है वो पिनाकोल और पिनाकोलेन रिएक्शन के अंदर काम आएगा। अरे बात समझ में, देखना कैसे काम आएगा। इसके बाद में क्या बोला जाता है कि जो तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन होता है वो फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग में ही पॉसिबल है, यानी कि रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल अप टू 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। अरे बात समझ में, अच्छा 5 मेंबर तक ही क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और ये एक्सपेंशन हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है एक्सपेंशन, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है भैया, स्टेबिलिटी के कारण। तो यहाँ पे एक्सपेंड होने की वजह से कौन सी स्टेबिलिटी आती होगी भाई, इस चीज को हमें समझना होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जितनी ज्यादा छोटी रिंग होती है, स्मॉल रिंग होती है, उसके अंदर क्या होती है भैया, स्ट्रेन होती है भैया, तो रिंग क्या चाहती है कि मैं इस स्ट्रेन को कम कर लूं, और कोई भी रिंग अपनी स्ट्रेन कम करेगी तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, तो इस वजह से वो क्या रिंग क्या होने क्या कोशिश करती है कि मैं एक्सपेंड हो जाऊं। अरे बात समझ में, तो ध्यान देना जो रिंग एक्सपेंशन होगा वो अप टू 5 मेंबर रिंग में ही होगा, दैट मीन्स ये क्या है 3 मेंबर रिंग, ये कार्बोकेटाइन, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, ये रिंग एक्सपेंशन का केस है भैया, यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन होगा और यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन होगा, इसके अलावा रिंग एक्सपेंशन कहीं पे भी नहीं होगा बेटा। अरे बात सुन, इनमें रिंग एक्सपेंशन होगा क्योंकि इनमें स्ट्रेन है भैया, समझ में आ रही बात। एक ध्यान देना, रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर रिंग में कब होगा, यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, जब तुम्हारे पास में इस पोजीशन पे कौन हो बेटा, OH ग्रुप हो, तब ये वाली रिंग भी क्या करेगी भैया, एक्सपेंड करेगी भैया। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये क्यों करी, एक तरफ से बोले सर आप बोल रहे हो कि इस रिंग तक ही एक्सपेंशन होगा, फिर इसमें क्यों हो रहा है भैया, तो अभी अपन देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि रिंग एक्सपेंशन हो जाए भैया।
आगे के बात समझ में। इसके लिए क्या बोला गया है कि मान लीजिए तुमने, हमने बोल दिया कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा किसकी वजह से, कि अपनी स्ट्रेन को कम कर दे भैया, स्ट्रेन को रिलीज कर दे, तो वहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है आखिर, रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स है क्या, कौन सा ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वहां पे। तो ध्यान देना यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, सॉरी स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा भैया। आगे की बात समझे, देखते हैं अपन एक्सपेंशन होगा कैसे। बात को समझना, यदि मैंने ये वाली रिंग ली और इसके अंदर यदि मैंने एक्सपेंशन करवाया तो देखो एक्सपेंशन होगा कैसे भी। इस चीज को मैं एक बार ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, बात को समझ लो भाई, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तुम्हारे सामने, आप मुझे बताइए इसको कितना नंबर दोगे, एक नंबर। इसको कितना नंबर दोगे भैया, दो नंबर। अब आप देख रहे हो कि इस कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ भैया, एक तो जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास में क्या, हाइड्रोजन, और बाकी ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं CH2 और क्या भैया CH2, किसके अंदर भैया, साइक्लिक मैनर के अंदर जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जिस ग्रुप का माइग्रेशन होगा उसको क्या कर देते हैं भैया, वन और वन मार्किंग कर देते हैं, और हमें पता है कि भाई यहाँ पर ग्रुप का रिअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर तो एक्सपेंशन हो रहा है भैया, रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, बात को समझना, अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंड कर जाएगा। और इसको और अच्छे से हमें समझना हो तो ध्यान देना, मैं क्या कर दूं भैया कि ये वाला ग्रुप जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा भैया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक बार क्या लिख दूंगा भैया, नेगेटिव चार्ज। आ रही है बात समझ में, एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ भाई कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में से ये ग्रुप यहाँ से जब माइग्रेट करेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा भैया, नेगेटिव। तो तुम क्या कर लीजिए, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या आपस में मिला दीजिए, और इस स्ट्रक्चर को आराम से एक वेल मैनर के अंदर अरेंज कर दीजिए। आप क्या देखोगे कि ये फोर मेंबर रिंग है, देख लो भैया, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 और क्या भैया, फोर, फोर मेंबर है जिसके ऊपर कौन प्रेजेंट है भैया, कार्बोकैटायन। अरे बात समझ में, देख लीजिए भैया, ये थ्री मेंबर रिंग से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भैया, फोर मेंबर के अंदर कन्वर्ट होती है। तो देखिए वन बाय वन इन सब में हम एक्सपेंशन करवा के देख लेते हैं। इसके अंदर एक्सपेंशन जो होगा वो देखिए भैया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं भैया, क्या यूं लिख सकते हैं, पॉजिटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ठीक है भैया। और ये क्या कर गया भैया, ये समझाने के लिए है, ध्यान देना, ये वाला जो है वो क्या कर गया, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है भाई, यही तो बन रहा है। अब इसको एक वेल मैनर में लिख लीजिए भैया, ये बन रहा है तो यहाँ कौन सा चार्ज भैया, पॉजिटिव, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया, ये देखो भाई फोर मेंबर रिंग बन गई, ठीक है भाई। यही चीज़ किसके लिए करूँ मैं, इस फोर मेंबर रिंग के लिए करता हूँ, यहाँ पर कौन भैया, पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करेगा तो इस बॉन्ड को भैया यहाँ से हटा दीजिए। आप लोगों को करना क्या है भैया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझना, कर कैसे रहा हूँ ये बात समझनी होगी हमें, कि इस बॉन्ड को जब मैं हटा दूंगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा भैया, नेगेटिव, यहाँ कौन सा भैया, पॉजिटिव, समझ में आ रही ना, ये पॉजिटिव पहले वाला था। इन दोनों को आपस में जब मैंने मिलाया तो तुम्हारे पास में जो जैसा है उसको वैसे के वैसे ड्रॉ कर दीजिए, और करने के बाद में उसको वेल नोन ऑर्डर में लिख लीजिए भैया, इसका वेल मैनर क्या हो गया भैया, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और क्या भैया, 5, एक कितनी मेंबर रिंग बनेगी भैया, 5 मेंबर रिंग बनेगी, जिसके ऊपर ये कौन है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट रिंग मेरे पास में कौन थी, नेक्स्ट थी 5 मेंबर रिंग, ठीक है बेटा। इसके अंदर जब मैंने क्या किया, ये माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करेगा तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिए, ये बॉन्ड जब मैंने हटा दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज भाई, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या भैया, नेगेटिव, इनको आपस में मिला दीजिए भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो
तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, जो जैसा है उसको वैसे की वैसे लिख दीजिए, दिक्कत नहीं आवेगी। अब काउंट कर लीजिए कितनी मेंबर रिंग बन रही है अपने पास में, 1 2 3 4 5 और क्या भैया 6। तो देखिए क्या ये 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या भाई? चलो भाई आगे बात समझ में यहाँ तक की क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा था कि इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर, ये वाला जो केस है इसके अंदर ध्यान देना हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, ग्रुप का ट्रांसफर होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा 1 2 क्या भैया हाइड्रोजन शिफ्ट, क्योंकि यहां पर रिंग एक्सपेंशन वाला केस नहीं लगेगा। अब आप ये नहीं कर दोगे कि रिंग एक्सपेंड करवा दी, क्योंकि हमने क्या बोला कि वो तो 5 मेंबर रिंग में ही पॉसिबल है, 6 मेंबर रिंग तो स्टेबल होती जाती है भैया, ठीक है भैया। लेकिन यहां पर ड्राइंग फोर्स, यदि कोई ड्राइंग फोर्स प्रेजेंट है CH2 और यहां पर कौन भैया OH, अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा भाई। क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो एक्सपेंड करवा लीजिए फिर हम देखते हैं। आप मुझे बताओ कि ये 1 है और ये क्या भैया 2 है, तो हमें पता है कि जो भी ग्रुप माइग्रेट करेगा उसको 1 1 मार्किंग कर लेंगे। अब आप समझ सकते हो कि ये और ये क्या भैया सेम है, तो हो सकता है ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाए और ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाए, कोई सा ही ग्रुप माइग्रेट करवा लीजिए भैया। आप इधर से भी करवा सकते हो, इधर से भी करवा सकते हो, मर्जी पड़े उधर से करवा लो भाई। तो मैं ये ऊपर से करवा देता हूँ, मेरे लिए क्या है ये सिंपल रहेगा। तो जब हम ऊपर से करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ, रिंग एक्सपेंशन करवा रहा हूँ, रिंग एक्सपेंशन करवा रहा हूँ भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भैया, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। एक बात बताना, यदि यहाँ से मैं इस बॉन्ड को हटाऊंगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बात को समझना, उसको मैं यही लिख रहा हूँ, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ कौन सा नेगेटिव, यहाँ पहले से कौन है पॉजिटिव, और ये कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो भैया इसको वापस वैसे की वैसे बना लीजिए, फिर अपन वेल नोन मैनर में इसको अरेंज कर लेंगे। ये लो भाई, ये किससे जाके मिल गया, इससे जाके मिल गया, अरे बात समझ में। तो आप समझना, इसको काउंटिंग करना भैया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर, 7 मेंबर ये रिंग बन रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भैया, इसको लिख सकते हो ऐसे, ये 7 मेंबर रिंग बन गई। और ध्यान देना, जिसके ऊपर OH है उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप देख सकते हो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, और हमें पता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने देखी थी कि जो तुम्हारा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, फिर मिसेलियनियस कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और फिर कौन होता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अरे बात समझ में, अब भूल गए होंगे आप कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होता क्या था। तो ध्यान देना बच्चों कि तुम्हारे पास में यदि कोई लोन पेयर था, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान देना इसे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोला जाता था। आ गई बात समझ में, इस वजह से यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। देख लो भाई ये क्या बनाएगा भैया, कीटोनिक फॉर्म बना लेगा भैया, आ गई बात समझ में, ठीक है भैया, कीटो ग्रुप बना लेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं भैया। जो तुम्हारे पास में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो हमेशा किस में होगा भैया, ऐसे वाले केस के अंदर हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा भैया।
आगे की आवाज समझ में। जब भी ऐसा केस आएगा तुम्हारे पास में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मैं अभी बता रहा था जो जैसा है उसको वैसे की वैसे बना लीजिए। और कैसे बना लोगे भाई, कि ये बॉन्ड, बात को समझना, यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो इनको आपस में क्या कर दूंगा भैया, मिला दूंगा। ये समझ में आ गई ये बात, तो इसको इसी बात को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ भैया, ये यहाँ पे चला गया भैया। या पहले ऐसे कर लीजिए, इसको बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ कौन नेगेटिव, क्योंकि ये वाला कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है भैया, तो इसको इसके ऊपर अटैक करवा दीजिए। तो तुम्हारे पास में क्या बना, तुम्हारे पास में ये बना, जो जैसा है उसको वैसे के वैसे बना दीजिए भैया पॉजिटिव, और इसको वेल मैनर में अरेंज कर लीजिए भैया। यही तो आया भाई। अब आपके सामने समस्या ये हो गई कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले तो इसके अंदर एक्सपेंशन करवा रहे थे, अभी आप इस केस के अंदर क्या करवा रहे हो भैया, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो। तो ध्यान देना दोनों केस होंगे, यदि ये ऐसा है, क्योंकि ध्यान देना ये यहाँ पर स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस रिंग के अंदर क्या पाए जाते हैं भैया, बनाना बॉन्ड, इस वजह से यहाँ पर पाई करेक्टर के आने की वजह से ये स्टेबल होता है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो क्यों हुआ भैया, ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है, और ध्यान देना डैम्ज़नो रिएक्शन के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो कम बनता है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनता है, यानी कि ये 48% बनता है, ये 47% बनता है। आगे बात समझ में, चलो भैया नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक केस और अपन बात करेंगे, यदि कार्बोकेटाइन के अंदर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों एट ए सेम टाइम प्रेजेंट हो, अरे बात समझ में, तो जो तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन है वो डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डोमिनेंट होगा, जिसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकता हूं भाई। आप देख लीजिए भैया, इसको यदि मैं छुपा लूं तो ये वाला जो केस है वो किसका है भैया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, और यदि इसको छुपा लूं तो ये वाला केस किसका है भैया, रिंग एक्सपेंशन का। तो एट ए सेम टाइम इस सबस्ट्रेट के अंदर दोनों पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो भैया अपना रूल क्या कह रहा है कि तुम्हारा डोमिनेंट होता है कौन भैया, रिंग एक्सपेंशन, तो आप रिंग एक्सपेंशन कराओगे भाई, और डरना नहीं है भैया, रिंग एक्सपेंशन कराओगे कैसे, रिंग एक्सपेंशन देखिए भैया, या तो इसको माइग्रेट करवा दो या इसको माइग्रेट करवा दो, मर्जी पड़े उसको माइग्रेट करवा दो। और ध्यान देना भाई, जब माइग्रेट करवा रहे हो तो समझना जो जैसा है उसको वैसे की वैसे लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए भैया, यदि मैं इस बॉन्ड को हटाता हूँ तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ कौन सा नेगेटिव, और ये इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। इसको वापस वैसे की वैसे बना देता हूँ भैया, मैं यहाँ पर बता देता हूँ वो चीज़, ये पॉजिटिव बन रहा है और ये क्या बन रहा है नेगेटिव, ये इसके ऊपर क्या करेगा भैया, अटैक करेगा, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया भैया, जो जैसा है वैसा का वैसा बना दीजिए, यही तो बनेगा भाई। आगे के पास में काउंट कर लीजिए, तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 कितनी मेंबर रिंग बन रही है, सॉरी एक सेकेंड, ये गलती हुई है, ये माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा भैया, किसके ऊपर अटैक कर गया, इसके ऊपर, तो जो तुम्हारे पास में बॉन्ड बनेंगे वो किसके बीच में बनेंगे, इनके बीच में। तो तुम रिंग देखो कितने मेंबर बन गए, ये 1 2 3 4 5 और क्या भैया 6 मेंबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 मेंबर रिंग को, देखना भैया बात को समझना, जहां से ये रिंग जुड़ी हुई है उसके नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, यस या नो, देख लीजिए भैया, इस वाली
जो रिंग है इस वाले स्केलेटन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप देख लीजिए भैया, जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पे कौन जुड़ी हुई है भैया? ये रिंग जुड़ी हुई है। अब आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर और भी रिएंजमेंट हो सकते हैं क्या? अब आप देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हो सकता सर, पर ध्यान देना, ध्यान से देखो इसको, अपनी मिल की आंखों से देखिए इनको, इसके ऊपर भी रिएंजमेंट होगा। और होगा क्या? वही रिंग एक्सपेंशन होगा। क्यों रे भैया? अरे देखिए क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस है क्या? बोले नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया। अरे अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था तुम लोगों को, क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस है क्या? बिल्कुल है भाई, ये और ये अलग अलग थोड़ी है, समझ में आ रही नहीं आ रही है? वापिस उसको मैं वैसे कि वैसे ही बना देता हूँ, वापिस वैसे कि वैसे ही बना देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा भैया? रिंग एक्सपेंशन होगा। देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो ये कौन है भैया तुम्हारे पास में? कार्बोकेटाइन। अब रिंग एक्सपेंशन इस वाली रिंग में तो होगा नहीं, इस वाली रिंग में होगा भैया। आगे बात सुन में, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर माइग्रेट कर जाए, जिसको मैं कैसे मेंशन कर रहा हूं कि अपने पास में अच्छे से समझ में भी आ जाए हम लोगों को। ऐसे कैसे? यहां पर कौन है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर कौन नेगेटिव, ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर जाए? इसके ऊपर। तो क्या बन रहा है भैया आगे? ये वाली स्केलेटन जो जैसा है उसको वैसे की वैसे बना दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। और इसको वेल नोन मैनर में मैं कैसे लिख पाऊंगा भैया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि तुम्हारे पास में ये सिक्स मेंबर रिंग और एक ये कौन सी भैया फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पर कौन सा चार्ज भैया? पॉजिटिव चार्ज। देख लिए भैया, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और क्या भैया 5। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम लोगों को समझ सको तो समझ। आगे के बात समझ, चलो भैया ये वाला पूरा स्केलेटन समझ में आ रहा है हम लोगों को कि आप इसके अंदर क्या कराओगे भैया? रिंग एक्सपेंशन कराओगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, यहां एक एग्जांपल और लेते हैं। कौन सा भाई? ये वाला। यहां पर क्या है भैया? पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए ये जो स्केलेटन बन रहा है वो किसका केस आ रहा है भैया? रिंग एक्सपेंशन का। तो यहां पर क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन होगा। आप मुझे बताइए ये वाले इस बॉन्ड को जब अपन ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस या नो? तो देख लीजिए भैया यहाँ पर क्या हुआ, जो जैसा है उसको वैसे के वैसे बना दीजिए भैया। आगे क्या बात समझ? यहाँ पर कौन सा चार्ज था पहले ही? कौन था भैया? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन है भैया? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ कौन? नेगेटिव। ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बन गया? जो जैसा है उसको वैसे की वैसे बना दीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमेशा ये लाइन बोला करो, जो जैसा है उसको वैसे की वैसे बना दीजिए। आप मैम काउंट कर लो भैया कितनी मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 और क्या भैया 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई? ये 6 मेंबर रिंग, ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन, और जिस कार्बोकेटाइन जहाँ पे उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कौन जुड़ी हुई है भैया? ये 5 मेंबर रिंग। अब आप मुझे बताओ क्या फिर ये वो वाला केस हो गया क्या कि यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? क्यों? क्योंकि देखो बेटा क्या ये यही है क्या? बात को समझना भैया, ये यही है क्या? देख लो भैया बिल्कुल यही है। अरे बात समझ में, बिल्कुल यही है। ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर क्या है भैया? सेम है। बस इसके अंदर क्या है भैया? ये केप और लगी हुई है। आ गई क्या बात समझ में? ऐसे थोड़ी होता है कि केप पहनने से आदमी की नेचर ही बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता भैया। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन
इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर माइग्रेट होंगे, यानी कि रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। देखो कैसे होगा, जो जैसा है उसको वैसे की वैसे बना लीजिए बेटा, आगे बात समझ में। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जो जैसा है उसको वैसे के वैसे बना लीजिए, आराम से समझ में आने लग जाएगी भैया चीज़ें। और इसको किससे मिला दीजिए भैया, इससे। तो देखिए भैया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, और ये क्या भैया 6। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया, ये लो भैया ये कार्बोकेटाइन, ये तुम्हारा पूरा बेसिक हो गया। किसके लिए भैया, कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट। इससे तुम्हारी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी भैया, पिनाकोल पिनाकोल इन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा डेमजनो कंप्लीट हो जाएगा। अरे बस सुनो, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इनको आप क्लियर कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप ये नेम रिएक्शन पढ़ोगे, ये रीअरेंजमेंट पढ़ोगे, कौन भैया, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन और कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, वो अच्छे से अपने को समझ में आ जाए भैया। थैंक यू भैया, आज की क्लास अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं।